गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष मदान, असिस्टेंट प्रोफेसर माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकम क्या होती है और टैक्स क्या होता है। तो बच्चों, जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में हमेशा इनकम को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पॉइंट नंबर वन, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड फोर्थ इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जो हमारी फर्स्ट इनकम होती है, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब ये होता है कि जब दो पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होती है और एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी अमाउंट मिलता है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाता है। जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास वर्क करता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को डिफरेंट अमाउंट पे कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला, मैं आपको मंथली बेसिक सैलरी 30,000 रुपीज दूंगा, लेकिन हो सकता है उसके साथ एम्प्लॉयर और भी काफी फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉय को दे। से फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं आपको बोनस दूंगा, मैं आपको फीस दूंगा, मैं आपको कमीशन दूंगा, और आप अपने ऑफिस से घर जाते हो और घर से ऑफिस आते हो, तो उसके लिए मैं आपको कन्वेंस अलाउंस भी दूंगा। इसके साथ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यह भी कहा कि ठीक है, अगर आपके पास कोई रहने की फैसिलिटी नहीं है तो मैं अपनी तरफ से आपको मकान की फैसिलिटी दूंगा, और अगर कभी आप बीमार पड़ जाएं तो मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा के दूंगा। इनकम टैक्स एक्ट में जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी में वो सारा अमाउंट इंक्लूड हो जाता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। सेकंड इनकम की जब हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन किसी मकान का ऑनर है और वो उस मकान को रेंट पर देता है तो उस ऑनर को रेंट से मिलने वाले इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, मैंने वर्ड यूज किया ऑनर, इट मींस वो पर्सन उस मकान का हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए, और जब एज ए ऑनर उसको जो रेंट मिल रहा है वो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। ऑनर वर्ड पर इसलिए मैंने स्ट्रेस दिया क्योंकि सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मकान था, मैं एक मकान का ऑनर था, मैंने क्या किया, वो मकान किसी पर्सन को किराए पर दे दिया, वो मेरा किराएदार बन गया। अब उस किराएदार ने, टीनेंट ने क्या किया कि वो मकान आगे किराए पर दे दिया, तो इस केस में मकान का ऑनर मैं हूं तो मुझे जो रेंट की इनकम मिल रही है वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन जो टीनेंट ने आगे मकान किराए पर दिया उसको होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि टीनेंट मकान का ऑनर नहीं था। वो जो टीनेंट को रेंट मिल रहा है वो इनकम उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में काउंट होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये क्लियर कट रूल दे रखा है, द पर्सन शुड बी द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड इनकम इनकम टैक्स एक्ट में आती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, हो सकता है वो किसी गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा हो सकता है वो किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो सकता है उसकी कोई ग्रॉसरी की शॉप हो सकता है उसकी कोई मेडिकल की शॉप हो सकता है उसका फर्नीचर का बिजनेस हो, तो उस पर्सन को बिजनेस से होने वाली इनकम
इनकम फ्रॉम बिजनेस मानी जाएगी। और यहां पर एक वर्ड और ऐड किया गया है, प्रोफेशन। इट मींस अगर कोई पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो प्रोफेशन कर रहा है, तो प्रोफेशन से होने वाली इनकम भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि प्रोफेशन और बिजनेस में डिफरेंस होता है। प्रोफेशन हमेशा एक स्पेशल स्किल डिमांड करता है। आपने देखा होगा जस्ट लाइक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सीएमए हैं, सीएस हैं, वो सब प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफाइड स्किल ली है, एक स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन पास किया है और वो एक गवर्निंग बॉडी के अंदर में आते हैं। बिजनेस में किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, किसी एग्जाम को पास करना जरूरी नहीं है। इवन कोई 10th क्लास पास बच्चा भी है तो वो भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल डिग्री, और जिस इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री ली है उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कोई अलग से प्रोफेशन के लिए हेड नहीं बना हुआ, इसलिए कोई भी पर्सन, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशन कर रहा हो, और उसको उस बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम हो रही हो, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में काउंट होगी। तीसरा हेड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब आप कैपिटल गेन की बात करते हैं, सपोज पहला आपने सैलरी की बात की, फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी की बात की, फिर आपने बिजनेस प्रोफेशन की बात की, और जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन में हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आज मेरे पास एक एसेट्स है, से फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कार है, मैंने क्या किया उस एसेट्स को सेल कर दिया। तो कोई भी एसेट्स अगर मैं सेल कर रहा हूं और सेल करने से अगर मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन माना जाएगा, उसका इन हेड से कोई रिलेशन नहीं। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की रिलेशनशिप है, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं और वहां से मुझे कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो वो सैलरी की इनकम होगा। इनकम टैक्स एक्ट में जो लास्ट हेड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हेड होता है, जिसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी बोला जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो और किसी हेड की इनकम नहीं होती, वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है। क्योंकि हमने जब बात की कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो लास्ट में जो आपकी इनकम निकल के आती है उस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे थे, मुझे वहां से डिविडेंड मिला, तो वो मेरी सैलरी की इनकम नहीं है। मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दी है तो वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। उसी तरीके से मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, इसलिए वो इनकम मेरे बिजनेस प्रोफेशन की नहीं है। तो जो मुझे इंटरेस्ट मिला या वो मुझे जो डिविडेंड मिला वो मेरी अदर सोर्सेज की इनकम होगी, क्योंकि अदर सोर्सेज में वो सारी इनकम इंक्लूड की जाती हैं जो बाकी किसी हेड की इनकम में काउंट नहीं होती। उसी तरीके से जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज अ इनकम एंड सेकंड इज अ टैक्स। तो जब हम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में या टैक्सेस में टैक्स दो टाइप के, वन इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज नोन एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिस पर ये इम्पोज किया जाता है वही पर्सन टैक्स का पेमेंट करता है। इम्पोज का मतलब अगर ये टैक्स मुझ पे लगा है तो मैं पे करूंगा, अगर वो टैक्स आप पे लगा तो आप पे करेंगे। दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स, विच मीन्स जिस पर ये इम्पोज हुआ है, जिस पर ये गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है वही टैक्स का पेमेंट करेगा और कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब आप बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिस पर ये इम्पोज होता है, जिस पर ये लगता है वो पर्सन पे नहीं करता टैक्स।